जब मैंने ये स्मार्टफोन देखा तो ये काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है HTC का, बट ओवरऑल इसका हार्डवेयर और इसका प्राइस सेगमेंट ऑलमोस्ट HTC M8 और HTC One E8 के बराबर है। बट anyway, HTC का डिज़ायर आए एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला स्मार्टफोन जिसका प्लास्टिक फिनिश है, बट ओवरऑल आपको ऐसा ही लगेगा कि ये कोई सस्ता फ़ोन हो। इसके एजेस पे बहुत ही अच्छा एक कलर का नो फिनिश है जो काफ़ी कूल लगता है। अगर इसके डिज़ाइन के बारे में, जैसे मैंने कहा कि बहुत बढ़िया है, एक 5.2 इंच फुल HD डिस्प्ले है जो काफ़ी शार्प है, कलर्स भी बहुत बढ़िया हैं और व्यू एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मेनली इसका जो HTC ने जो USP रखा है वो है फ्रंट कैमरा। फ्रंट में 13 MP डुअल टोन है और पीछे भी एक 13 MP डुअल टोन है। तो बेसिकली HTC ने इसको एक सेल्फी स्मार्टफोन की तरह रखा है और HTC ने फिर से इसमें अपने पेटेंटेड बूम साउंड स्पीकर्स डाले हैं जो आपको दिखेंगे नहीं, बट ये छुपे हुए हैं स्क्रीन के दोनों साइड पे। बहुत ही अच्छा दिखने वाला डिवाइस, इसके बारे में हम और जानकारी जानते हैं अगले सेगमेंट में। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो HTC Desire आए काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर एक Snapdragon 801 प्रोसेसर है, 2 GB का रैम है और ये Android 4.4 KitKat पे चलता है। ऑब्वियसली इसके ऊपर Sense 6 UI है जो कि बहुत ही स्मूथ है। आपको ब्लिंक फीड मिलेगा, HTC के सारे ऐप्स मिलेंगे और अगर आप गेमिंग करते हैं या आपको HD वीडियोस देखने हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि M8 के अंदर 801 था और E8 के अंदर भी Snapdragon 801 था, उसका परफॉर्मेंस बहुत स्मूथ था और इसके ऊपर भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ स्मूथ चलता है। और अब हमने कोई भी इसमें ग्लिच नहीं देखे, कोई भी स्टटरिंग नहीं देखी, बहुत ही बढ़िया। और अगर आपको बैटरी के बारे में अगर हम बताएं तो इसका बैटरी बैकअप 1 दिन के बराबर है। अगर आप थोड़ा सा इसको एफिशिएंटली यूज़ करें तो आपको 1.5 दिन का भी बैकअप मिल सकता है, बट अगर आप गेमिंग करते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग बहुत करते हैं तो आप 1 दिन तक बैटरी इसमें निकाल सकते हैं। अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आगे एक 13 MP का कैमरा है डुअल टोन फ्लैश के साथ और पीछे भी एक 13 MP कैमरा है डुअल टोन फ्लैश के साथ। अब अगर आप कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी फास्ट है, शटर स्पीड भी इसके तेज़ है, फोकस और एक्सपोजर बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल 35,000 के हिसाब से इसका कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। अगर आप कंपेयर करें HTC E8, उसका भी 30 MP कैमरा ऑलमोस्ट सिमिलर उसका परफॉर्मेंस है। अगर आप सेल्फी, जैसे कि आप जानते हैं आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, फ्रंट कैमरा 13 MP है और आपके पास डुअल टोन फ्लैश भी है, तो अगर आपको अपने पिक्चर्स लेना पसंद है या आपको ग्रुप में पिक्चर्स लेना पसंद है तो आप इसका सेल्फी कैमरा यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। प्लस जो फ्लैश है इसका इतना भी ज़्यादा शाइन नहीं देता है और काफ़ी सॉफ्ट है, तो ओवरऑल पिक्चर्स का जो बैलेंस है एक्सपोजर का वो काफ़ी अच्छा आता है। कंक्लूजन की बात करें तो डिज़ायर आए बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इसका परफॉर्मेंस और हार्डवेयर की अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है HTC One M8 और E8 के। बस आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनता है एक 5.2 इंच डिस्प्ले और फ्रंट 13 MP कैमरा। सो अगर आपको सेल्फीज लेना पसंद है तो इस प्राइस सेगमेंट में ये बहुत अच्छा फ़ोन है। अदर देन दैट, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है अगर आपको हार्डवेयर और परफॉर्मेंस की बात करें। M8 और E8 प्राइस सेगमेंट भी उनका ऑलमोस्ट सेम है, 30,000 to 40,000। तो आपको बस अगर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर अगर देखने हैं तो एक थोड़ा सा डिज़ाइन का है, ऑब्वियसली फ्रंट कैमरा और डिस्प्ले का है, बट हार्डवेयर और परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि HTC ने आपको ऑप्शन दे दिया है, अगर आपको मेटल बॉडी डिज़ाइन चाहिए तो आप M8 ले सकते हैं, अगर सेम डिज़ाइन में आपको प्लास्टिक बॉडी चाहिए तो आप E8 ले सकते हैं, या आपको थोड़ा सा बड़ा डिवाइस चाहिए और सेल्फी कैमरा चाहिए तो आप Desire i ले सकते हैं।